मेरा लाडला पवन सिंह फिल्म योद्धा। अब है सिन्हा और पवन सिंह का रिश्ता कुछ इस कदर है कि जहाँ भी अभय सिन्हा को पवन सिंह देखते हैं झुककर प्रणाम करते हैं। आदर सम्मान पवन सिंह का अभय सिन्हा के लिए इस कदर है कि अभय सिन्हा के बारे में वो कभी गलत ना कह सकते हैं ना सुन सकते हैं। चलिए आपको हम ये भी बता देते हैं कि अभय सिन्हा क्या कहते हैं पवन सिंह के बारे में। तो पहले आप हमारी ये वीडियो क्लिपिंग सुनिए जो कुछ सेकेंड की ही है, लेकिन हम बताएंगे कहाँ। मेरा लाडला पवन सिंह फिल्म योद्धा। तो देखा आपने, अभय सिन्हा ने पवन सिंह को अपना सबसे लाडला सुपरस्टार कहा। लाडला वर्ड किसके लिए यूज होता है? जब आप किसी के खास है, अजीज है, उसके लिए। आपको हम बता दें कि अभय सिन्हा के हर एक फिल्म की जान है और अभय सिन्हा जानते हैं कि पवन सिंह का मार्केट में एक दबदबा है। और तो और, अभय सिन्हा और पवन सिंह का रिश्ता इन सब से ऊंचा है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले ही अभय सिन्हा की तीन बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा पवन सिंह रहे हैं। पवन सिंह ने उनकी तीन बड़ी फिल्में लंदन में जाके शूट की है, जिसका एक का तो पोस्टर और ट्रेलर रिलीज हो चुका है, हम है राही प्यार के, दो का बाकी है। आपको हम यहाँ ये भी बता दें कि अभय सिन्हा की फिल्में साइन करते वक्त पवन अभय सिन्हा का सिर्फ नाम और प्रोडक्शन हाउस सुन लें कि अभय सिन्हा के तरफ से ये फिल्म का ऑफर आया है, तो पवन सिंह उस फिल्म की स्क्रिप्ट तक नहीं पढ़ते। ये स्पेशल बॉन्ड शेयर करते हैं ये दोनों। और अभय सिन्हा भी पवन सिंह पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, इसलिए तो यशी फिल्म से जितने भी अवार्ड शोज होते हैं, भले ही पवन सिंह भोजपुरी के कोई अवार्ड शो अटेंड ना करे, लेकिन यशी फिल्म का अवार्ड शो अटेंड करना पवन सिंह अपने घर की बात समझते हैं। वैसे भी पवन सिंह की माने तो अभय सिन्हा को वो दिल से, जी हाँ, दिल से अपना भाई समझते हैं। ऐसे ही नहीं, वो अभय सिन्हा को अपना बड़ा भाई कहते हैं। क्या कहना चाहेंगे, भोजपुरी के सबसे बड़े प्रोड्यूसर अभय सिन्हा और भोजपुरी के सबसे बड़े सुपरस्टार पवन सिंह के रिलेशन के बारे में हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।